नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जो 60 साल के बाद हर भारतीय पुरुष और स्त्री को पेंशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पेंशन है क्या। पेंशन मित्रों एक ऐसी आवक है जो 60 साल के बाद जब इंसान अपने रूटीन काम से रिटायर हो चुका होता है, अब वो 10 से 5 की जॉब नहीं कर रहा या कोई बिजनेस नहीं कर रहा, अपने आप को अब वो फ्री रखना चाह रहा है, अपने जो शौक वो पूरी ज़िंदगी पूरे करना चाहता था वो पूरा करना चाहता है, फैमिली के साथ अपने मित्रों के साथ समय बिताना चाहता है और वो घूमना चाहता है। तो ऐसे समय में कुछ आवक की ज़रूरत रहती है जिसको हम ऐसे पेंशन कह सकते हैं। तो भारत सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। हाँ मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और एक बहुत बड़े कवि भी थे, आप यूट्यूब पे उनकी बहुत सारी कविताएं सर्च कर सकते हैं। बहुत ही निराला अंदाज था उनका और बहुत ही उंडे विचार वाली उनकी कविता थी। तो ऐसे इंसान हो गए हैं, तो उन्हीं के नाम से अटल पेंशन योजना करके भारत सरकार ने योजना बनाई जिसमें कौन भाग ले सकता है। जैसे मैंने बताया भारत सरकार की है तो हर भारतीय पुरुष और स्त्री भारत के नागरिक इसमें भाग ले सकते हैं। उम्र की इसमें क्या लिमिट है? तो 18 साल से लेकर 40 साल तक के कोई भी भारतीय व्यक्ति ये योजना में भाग ले सकता है, 18 से लेके 40 तक का। अभी इसमें 5 अलग अलग प्लान है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000। 60 साल के बाद आप कितना पेंशन पाना चाहते हो? तो 5 प्लान है, आपके प्लान के अमाउंट के हिसाब से उसका प्रीमियम डिसाइड किया गया है और आपकी एज के हिसाब से। अगर आपने 18 से उम्र से स्टार्ट कर दिया है तो आपका प्रीमियम कम आएगा, क्योंकि ये जो प्रीमियम हमको भरना है वो 60 साल तक हर महीने भरना है। और अगर आप 40 की उम्र से या 35 या 40 से पे करना चालू करोगे तो उसके आप सबसे प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहेगा। मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मेरे 27 साल पूरे हुए, 28 साल चल रहा है अभी। तो मैंने जस्ट लास्ट मंथ ही ये पॉलिसी को मेरे जिस बैंक पे मेरा सेविंग अकाउंट था वहाँ पे जाके ये मैंने करवाई है। अच्छा, ये कहाँ से मिलती है, ये पॉलिसी कहाँ से हम ले सकते हैं? तो ये 80% बैंक के साथ, मतलब सारी बैंक, ऑलमोस्ट सारी बैंक के साथ से हम ये ले सकते हैं। हमारा जहाँ भी सेविंग अकाउंट है, जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट हमारा यहीं कंटिन्यू रहेगा, वही बैंक में जाके आप वहाँ पे पूछताछ कर सकते हैं, वहीं से आप इसको कंटिन्यू करा सकते हैं। और ये सेविंग अकाउंट के साथ लिंक होता है ताकि आपके सेविंग अकाउंट से ही ऑटोमेटिक हर महीने उसका प्रीमियम कट होता रहेगा। इसके अलावा आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर भी यही अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया मेरी 27 साल की उम्र है, तो वो चार्ट के हिसाब से मैंने देखा तो मेरा जो प्रीमियम है वो है 446, 446 रुपये पर मंथ। अभी ये मेरे को 60 साल की उम्र तक हर महीने वो ऑटोमेटिक डेबिट होता रहेगा। आज मेरी उम्र 27 वर्ष है, तो मतलब अभी अगले 32 साल हर महीने ये ऐसे ऐसे कट होता रहेगा। अभी इसका मेरे को फ़ायदा क्या होगा? तो इसका फ़ायदा शुरू होगा 60 साल के बाद। 60 साल के बाद हर महीने मुझे भारत सरकार की ओर से 5,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। 60 साल के बाद मेरे को प्रीमियम कट नहीं होगा, फिर पेंशन आना शुरू होगा। कब तक आएगा? जब तक मैं हयात रहूँगा तब तक, 65, 70, 80, 90 जो भी आयु रहेगी, जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मेरे को 5,000 रुपये उसका पेंशन आता रहेगा। अच्छा, जब मैं हयात नहीं हूँ तो उसके बाद क्या होगा? क्या पॉलिसी बंद हो जाएगी? नहीं, जब मैं हयात नहीं हूँ, जिस बंदे ने ये पेंशन योजना में भाग लिया है वो जब हयात नहीं होगा तो उसके बाद भी 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा उसकी पति या पत्नी को। जी हाँ, जब तक वो बंदा हयात है तब तक उनको मिलेगा, जब वो हयात नहीं है तो उसकी पति या पत्नी को ये पेंशन मिलेगा। जब दोनों हयात नहीं है, पति पत्नी जब दोनों हयात नहीं है, तब एक टोटल अमाउंट होता है, टोटल कॉर्पस अमाउंट जो ये 5,000 वाले प्लान में वो है 8.5 लाख रुपये। तो ये 8.5 लाख रुपये जो हमारे वारसदार होंगे उनको मिलेंगे। जी हाँ मित्रों, मैंने कैलकुलेट किया कि अभी मैं 446 रुपये हर महीने पे कर रहा हूँ और वो मेरे को अगले 32 साल, यानी कि जब तक मेरी आयु 60 साल नहीं होती तब तक पे करना है। तो मैंने टोटल लगाया तो वो पौने 2 लाख के आसपास से हो रहा था। तो इसका मतलब है कि ये पूरे पूरे पेंशन प्लान में जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो टोटल है 2 लाख रुपये। चले मान लीजिए 2.25 से 2 लाख रुपये। अभी रिटर्न क्या मिलेगा? तो रिटर्न का मैंने जैसे बताया कि 60 के बाद 5,000 का पेंशन आएगा, जब तक मैं रहूँगा फिर मेरे वाइफ को भी मिलेगा, हम दोनों नहीं होंगे तो 8.5 लाख रुपये का रिटर्न मिलेगा। तो मैं मोटा मोटी से सोचता हूँ कि इसमें दो फायदे हैं कि 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में मेरे को 8.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। अच्छा, वो मुझे नहीं मिल रहे, मेरे वारसदार को मिल रहा है, बट मिल तो रही है। और दूसरा जो है कि 60 के बाद
जितना भी मेरा आयु होगी तब तक मुझे उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, 5,000 रुपये हर महीने। मान लीजिए मैं और मेरी वाइफ दोनों ये पॉलिसी में एनरोल हो जाते हैं, तो 60 के बाद हम दोनों को 5-5 हज़ार की एक फैमिली में देखे तो 10,000 रुपये आना शुरू हो जाएंगे। और जब हम दोनों नहीं होंगे तो वारसदार को 8.5 और 8.5 मतलब 17 लाख रुपये मिलेंगे, 1/7। तो काफ़ी इसी तरह से है। अच्छा, अब इसका कौन कौन लाभ ले सकता है? जिसमें मैंने बताया 18 साल से लेकर 40 साल तक का कोई भी ले सकता है। अब अगर हम पहले के टाइम में भारत सरकार जो गवर्नमेंट के ऑफिसर है उसको पेंशन प्रोवाइड करती थी, बट कुछ साल से वो सिस्टम, वो पेंशन वाला प्लान अभी गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया है, क्योंकि उनके भी कुछ वहाँ पे इश्यू रहेंगे होंगे। तो अभी इंडिविजुअल को ही सोच के इसमें ऐसे पार्ट लेना है। अभी अलग से गवर्नमेंट वो नहीं दे रही है, बट इतनी अच्छी स्कीम बनाई है अटल पेंशन योजना। तो कोई फ्रीलांसर है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई भी ये योजना में इसका भाग ले सकता है। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मंथली 500 रुपये, 450 से 500 रुपये अगर आपके जा रहे तो उतना आपको नहीं हर्ट नहीं करेगा, बट जब वो आएगा तो ज़रूर वो इतना फ़ायदा भी करेगा। तो मैंने एनरोल किया है और मुझे लगता है कि ये सारे भारत के नागरिक को ये करना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपने नहीं किया तो अपने नज़दीक के बैंक में जाइए, इंक्वायरी कीजिए और वहाँ पे साइन अप करवाइए। और अपने घर में 18 से 40 साल के जो भी कोई भी रिश्तेदार है, दोस्त है, अपने जानने पहचानने वाले, आपके शुभ चिंतक है, सबको आप बताइए। ये एकदम बेसिक है, इसमें किसी का कोई प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि इसने बेनिफिट उनके नागरिक को मिले। हम सुनते हैं कि दूसरे देशों में अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, ये जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें उनकी सरकार, उनके जो लोग हैं वो उनके कुछ एज के बाद बहुत सारे बेनिफिट देते हैं, तो उनको इतना फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होता। हम ये हमारे लिए एक शुरुआत ही है। वो लोग, गवर्नमेंट उतना उनको बेनिफिट देती है, उनके सामने वो लोग हर साल उतने हैवी टैक्स भी पे करते हैं। जैसे मैंने सुना है कि कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टैक्स है लोग पे करते हैं, ठीक है, तब जाके उसकी गवर्नमेंट उतना बेनिफिट देती है। अगर हम भी इसी तरह से इसी योजना में साइन अप करके ये करवाना चालू करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट भी हमको बेनिफिट देगी। तो यही है, छोटी सी शुरुआत है और हम सभी कर सकते हैं। थैंक यू।